सतना पुरख निर्भ निर्व अकाल मूर्त अजोनी से भंग गुर प्रसाद जप आध सच जुगाध सच है भी सच नानक हो भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लख चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिता ਕੋ ਕਾ ਪਖਣਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਪੁਰਿਆ ਪਾਰ ਸਹਸਿਆ ਪਾ ਲਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਥਨਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇ ਕੋੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ नानक लिख नानक वाणी जब जी साहेब आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या ठीक सुनिए सरा गुना के सुनिए शेख पीर प, सा सुनिए अंदे पावही राहु सुनिए राह रा, रा, सुनिए होवे असगाहू और भी पढ़ने? हाँ दो, दो और पढ़ लीजिए सदा विगासु सुनिए दुख पाप का नासु। अच्छा इसमें एक एक चीज सर बताना चाहूंगा ये जो ओ, छोटी की मात्रा आती है ना उसका मतलब कुछ और उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता जैसे इंग्लिश में भी कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं ना यहाँ भी साइलेंट है ये तो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता नानक भक्ता सदा विगासु नहीं बोल के नानक भक्ता सदा विगास बोलते हैं नहीं? तो क्या है इसका मतलब क्या है अवकड़ का उसका एक मीनिंग है डीप मीनिंग है ऐसे ही नहीं लगा दिया गया उसको नहीं? उसका मतलब है कि विकास एक है एक ही वो जॉय है एक ही वो सत्य है एक बताने के लिए सिंगुलर बताने के लिए ये हर जगह जहां पे भी हम आता है और प्रोनाउंस नहीं किया जाता वो उस एक की बात हो रही है बस ये समझना है बस ठीक है इस, ये इससे ये समझ आता है वो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है लेकिन मीनिंग बताता है कि वो उस एक की बात हो रही है अगर जहां पे वो नहीं लगा हुआ छोटी की मात्रा तो फिर अनेक की बात हो रही है तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है ना तो समझ आ जाता है कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे बात है ठीक है ओके जी आप ना, नाम सुनने से मनुष्य असीम गुणों से भरपूर समुद्रों में गोटा गोटा लगा लेता है

हे नानक नाम सुनने से भक्तों को सदैव प्रसन्नता का आभास रहता है द ट्रू डिवोटी विल ऑलवेज रिमेन इन ब्लिस ओ नानक उनके सभी दुखों और पापों का विनाश हो जाता है बाई लिस्निंग इज नेम सोरोज इन सिंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम हिज लाइफ हाँ जी ठीक तो अभी ये हम क्या कर रहे हैं सुनिए कि चौथी पौड़ी पढ़ रहे हैं और जबकि साहब की ग्यारहवीं पौड़ी पढ़ रहे सुनिए में चार ही है चार पौड़िया अभी आगे से अभी मन के बारे में बात करेंगे तो कल करेंगे तो सुनने के ऊपर जो चौथी चो, पौड़ी है ये क्या बोलते हैं सुनिए हाँ सुनिए सरा गुना के गाह पहला है सुनिए सुनिए सरा सरा मतलब होता है समुद्र गुणा मतलब गुण वर्च्यूस वर्च्यूस गाह मतलब होता है घर तो सुनने से यू बिकम द रेजिडेंट ऑफ घर घर मतलब रेजिडेंट रेजिडेंट ऑफ गुणों के सागर का घर आ जाता है आपके घर में सिर्फ सुनने से तो ये सब सुनने की वजह से यानी वो सुनना हमने समझ ही लिया असली सुनना क्या होता है, है? तो वो वो इंपॉर्टेंट है इसमें तो सुनने से जो सागर में जितनी भी मोती भरे हैं जितने भी गुण भरे हैं उनमें हमारा घर आ जाता है मतलब हमारा घर में आ जाता है सब एवरीथिंग कम्स विद इन अस ये सुनने से होता है तो सरा गुना के गाह फिर उसके बाद है सुनिए शेख पीर पातशाह अगेन अरेबिक वर्ड है जो शेख होता ना, है ना शेख है यहां पे गुरमुखी में शेख बोला गया है लेकिन ये शेख है जैसे आप दुबई में जाते हैं तो शेख के नाम से रोड है वगैरह है तो शेख का मतलब होता है कोई ऊंची पदवी ऊंचा आदमी है? है? उसके बाद पीर पीर मतलब पैगंबर या कोई आ, क्या बोलते हैं बहुत विद्वान वगैरह हो जैसे पीर है? या किस चीज को अच्छी तरह से समझता हो है? उस तरह का पीर पातशाह पातशाह का मतलब किंग राजा है? तो सुनने से ये शेख पीर और पातशाह सब हमारे अंदर आ जाते हैं यानी कि इनसे भी ऊपर उठ जाते हैं अगर सुनेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमको एक किसी प्रांत का राजा बनेंगे तो ही हम सफल होंगे हम राजा ऑलरेडी हैं है? अगर सुन लिया तो हमने इसमें कबीर साहब का भी एक है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसके ऊपर बाद में याद आएगा तो बताता हूँ अभी तो नहीं याद आ रहा मेरे को इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है कबीर साहब का तो उसके बाद है सुनिए अंधे पावेरा अंधे का मतलब क्या है यहाँ पे इग्नोरेंट से हो सकता है अज्ञानी से हो सकता है, है? या जिसको कुछ नहीं मालूम है वो हो सकता है तो उनको भी राह मिल जाती है सुनने से वो भी ज्ञानी हो जाते हैं सिर्फ सुनने से ये सुनने की जो बताया है ना क्या फायदे हैं सुनने के तो सुनेंगे तो एक अंधा भी राह पा लेता है यानी कि एक अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है तो ये इससे निकलता है अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह हाथ होवे असगाह मतलब अनंत डीप वेरी डीप कहा मतलब बहुत मतलब अनंत हो जैसे जैसे समुद्र के बिल्कुल समुद्र से मिलाया गया आनंद समुद्र की तरह आनंद है तो हाथ हो गए हाथ मतलब सब हाथ के अंदर आ जाता है यानी कि अपनी मुट्ठी में आ गया सब या अपने अंदर आ गया सब हाथ के अंदर आ गया जितना भी डीप है वो तो हम हम उसके उसको पा लेते हैं मतलब सुनने से है? तो सुनिए हाथ होवे असगा जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं कृष्णा का उनके मुंह में यशोदा जी ने संसार देखा पूरा ठीक है ना ये असली है चाहे नकली उसे मतलब नहीं इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर फिर पूरा संसार ही समा गया है? तो सब उनको भी हाथ हो बे असगाह बोल सकते हैं उसको भी तो हाथ हो बे असगाह सब कुछ अंदर आ गया है? तो वो सुनने से होता है नानक भक्ता सदा सुनिए दुख पाप का तो नानक के भक्त हैं वो हमेशा है, विकास में रहते हैं यानी कि जॉयफुल रहते हैं क्योंकि वो सही नियम फॉलो कर रहे हैं नियम पे चल रहे हैं सुन रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और सुनने वाला जो होता है वो जॉयफुल में जो आ जाता है और दुख पाप के सब खत्म हो जाते हैं उसके। कोई दुख पाप नहीं रहता है जिस दिन वो जॉयफुल हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में भौतिक दुख नहीं आने आएंगे या बंद हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि वो सबको संभाल लेगा फिर वो क्या होएगा मैंने एक अभी बात करा था ना आ, नानक दुख सुखिया दिन नाम आधार उसको नाम को आधार बना लिया उसने और वो सुखी ही अपने आप को रहेगा हमेशा अपने अंदर से तो यही है ग्यारहवीं उड़ी का जो हमने सुना अभी इतना ही समझ आता मेरे को तो ठीक है आपके आगे कर हाँ जी ये बिंबी जी स्टार्ट करेंगे बो, बोलना बिंबी जी बोलती है फिर उसके बाद मोना हाँ जी हाँ जी हाँ मतलब एक हद से हम पहले भी ये सब जो जब से ये नाम सुनने का आया है उसमें एक वो कंटिन्यूएशन ही है कि नाम सुनने से मतलब जब आपने अपने जीवन में जो गुरुओं की मुख से निकली हुई मुखी में या फॉर दैट मैटर कुछ भी मतलब जब गुरुमुखी सिर्फ एक एक वो धर्म तक सीमित नहीं कोई भी गुरु उनकी आपने, आ, जो उनके विचारधारा या उसको अपने में कर ले जैसे गीता वो भी श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई तो आपने अपने में उतार लिया आ और उतारने का मतलब कि आप फिर आप उस पथ पर हो और नॉर्मल डे टू डे में आप का वही है कि क्योंकि तो भारी प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आप और चीजों से विचलित होते हो तो ये सब कुछ जो, जो ज्ञान है जब आप अपने में उतार लेते हो तो वो आपको सेंटर में रहने के लिए आपकी मदद करता है और जब आप वही जब आप सेंटर में अपने आप को स्थापित कर लेते हो तो तब वही भरपूर समुद्रों में गोता लगा लेते लेता है तो समुद्रों में मतलब इतने अब समुद्र उसमें से भी कि बहुत गहराई की मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कोई है कोई चैलेंज है उसको भी आप अच्छी तरह से जैसे हैंडल कर सकते हो ये मतलब वही मैं प्रैक्टिकल होकर और नाम सुनने से भक्तों की को शेखो और बादशाहों जैसी ऊंची पदवी मिल जाती है उसमें वही कि पदवी मिल जाती है का मतलब यहाँ पर जो मुझे लगता है ये कि जब आप आपकी इत, अपनी ही इतनी मतलब आप जैसे जो आप स्पिरिचुअल पद पर हो तो आप उस समय आप जैसे ईश्वर तत्व पर होके आप डिसीजन ले रहे हो ईश्वर uh, के स्थान पर ले uh, मतलब ऑलमोस्ट आप उसी समय जैसे जब आपने ऑब्जॉर्व कर लिया तो आप खुद ही उस समय ईश्वर बन गए हो परमात्मा हो परमात्मा बन गए और आप उस लेवल पर मतलब आप वो कहना चाह रहे हैं और बाय लिस्निंग इज नेम इवन द ब्लाइंड इग्नोरेंट इज ब्लेस टू फाइंड दिस पास वही की मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाती है uh, आप अनबायस होके डिसीजन ले पाते हो किसी परिस्थिति को हैंडल कर पाते हो बाइ लिसनिंग इज नेम वी कैन बीच आउट इवन टू द इंफॉन्डेबल और बहुत पढ़ते हैं जो हमारे जीवन जो हमें वही विश्लेषण करते हैं या ऊपर का जो हमारा ऊपरी ज्ञान से अब बहुत तत्व तक पहुंच जाते हो और वही आपको एक तरह की आपकी वही गाइड या मेंटोर बन जाती है और आप परमात्मा लेवल पर एस्टैब्लिश होकर अपना जैसे फिर आपका जीवन वैसे ही हो जाता है ब्लीस ऑफ कोर्स की ट्रू डिवोटी विल ऑलवेज रिमेन और जब आपको कोई चीज कुछ पच लेती नहीं कर रही तो वो वही सच्चित आनंद वाला ही है आप उसी स्टेज में ट्रू हैप्पीनेस मिलती है ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट इन जो कुछ बाहरी कुछ ठीक है उसमें भी मतलब जैसे आपको ट्रू हैप्पीनेस में कोई आपको आपके घर में ही आया है आपने पूरी अच्छी तरह से आपका मतलब उसके लिए आप जो भी कर रहे हो या आपने अच्छा खाना ही बनाया है मतलब जब आप उसे खाना भी आपने मन से बना रहे हो तो आपने 100% दे दिया आप उस पर हो तो वो वो ही उसी में खुशी है आ, uh, तो मतलब छोटी छोटी चीजों में आप छोटी छोटी चीजों में आप इतनी खुशियां आपको मिल सकती हैं जब आप अनबायस्ड uh, होके या संभाव से और सेंटर से आप जब अपना कोई भी कर्म या सोच रखते हो सोच और फिर कर्म रखते हो तो अपने आप भी सुंदर है बिल्कुल ही वही एफर्टलेस हो जाता है तो एफर्टलेस भी ये एफर्टलेस वाली सिचुएशन भी पहले आएगी चलिए ठीक है बाद में बताती हूँ हाँ मोना बो, बोलो जरा हाँ जी इसमें वो मुझे तो वही लगा ये नाम नाम सुमिर नाम जाप का ही मतलब इन, इन्होंने महत्व दिया हुआ है उसी चीज को वो चाहे मतलब उससे ये है कि हम अंदर मतलब उससे जुड़े रहते हैं परमात्मा से मतलब जैसे चाहे मतलब जुबान से नहीं मन से मतलब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं तो हम ना किसी भी चीज में मतलब ज्यादा नहीं होते मतलब टू मच मतलब जैसे सुख में ज्यादा सुखी दुख में ज्यादा दुखी वो नाम से हम अंदर ही अंदर आप भगवान से जुड़े रहते हैं बस बोल दिया यही है इसमें ना ये बस सबसे पहले कल पर ही आना पड़ जाता है इसपे कि आ, मैं देखने वाला उसपे आ गई पहले तो देखने में आ गई तो सारे ही सारे ही जगत पे वही उसका विस्तार चल रहा है तो पहले में मैंने अपने आप को पहले ही जीरो कर लिया जीरो इस प्रकार से कर लिया शरीर से जीरो नहीं किया है अब सारे जो भूतों का जो शरीर है वो शरीर में वही खेल रहा है सब में जैसे कहते हैं ना एक बीज में एक वृक्ष में बीज में पूरा संभावना होती है उसको ये सोचना नहीं पड़ता परफेक्ट एक इंटेलिजेंस वाली जो स्टेज होती है ना उस पर चल रही है सारी प्रकृति कि उसमें बीज में कोई दाल पत्ती निकलनी है पीली निकलनी है हरी निकलनी है उसको ऑलरेडी पता है कैसे निकलनी है तो एक इंटेलिजेंस सब में काम कर रही है लेकिन मनुष्य में ये स्वतंत्रता पूरी तरह से है कि कि वो जैसे एक प्लांट है जिसको जहां पर उसको प्लांट कर दिया गया और वो वो वहां से हिल नहीं सकता अपने आप जब तक उसको दूसरी जगह पे नहीं दिया जाएगा भूमि नहीं दी जाएगी लेकिन मनुष्य पे ये स्वतंत्रता है कि वो अपना डिसीजन चुनाव करने की शक्ति है उसके अंदर तो वो चुनाव वाली जो शक्ति है तो चुनाव में चुनाव तो यदि चुनाव मेरा किया जाता है मैं करती हूँ कोई भी चीज का चुनाव लेकिन वो चुनाव मेरा अपने लिए ही है वहीं तो पर ही पाप पाप निर्मित उसी क्षण बनना शुरू हो जाता है उसी क्षण ये बनना शुरू हो गया ना कि मैंने अपना प्राइवेट एरिया बना लिया मैं मैंने अपने आप को अलग कर लिया प्रकृति का जो सारा दृश्य वर्ग चल रहा है जिसमें वो परम ही खेल रहा है उससे मैंने अपने आप को अलग कर लिया तो ये चीज होती है पाप सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी का बुरा किया है वैसा किया पाप सोच होती है वो सोच ही पहले ही मैंने वो सोच पैदा करके मैं कर रही हूँ तो वो मैं अपने आप को मैंने उससे अलग कर दिया तो ये जो अहंकार है बार 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 इसको ये याद दिलाया जाता है अहंकार ही करता है ना अपने आप को अलग अहंकार हमेशा बाउंड्री में जीता है वो कहता है दूसरे को भी क्रेडिट देने में वो कम नहीं रहता वो कभी किसी को क्रेडिट देता है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है नहीं ना उसके क्रेडिट देने से नहीं देने से जो 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 सुप्रीम की जो पूरी अर्थ, आ, सारा संचालन जो चल रहा है उसके क्रेडिट देने से और नहीं देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं बार बार कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैंने ये वाला कर्म किया और मैंने तो उसका बुरा कर दिया जरूरी नहीं है ना बुरा बुरा समी से आता है बुरा अच्छा सारा समी से आएगा कर्म का फल अब समी को मैं भूल जाती हूँ बार 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 मैं भूल जाती हूँ अब इसमें जैसे ओशो ही एक सुना रहे थे कि एक Uh, कोई वैसा था एक व्यक्ति जिसकी दूसरे से दुश्मनी थी तो उसने उसको जो है कोई तीर मारा वो तीर उसके जो है ऐसी जगह पे लगा कि जिससे उसका ब्लड वो उसको पैराल पैरालिस पे, था और पैरालिसिस उसका ठीक हो गया कि क्योंकि तीर जो है ऐसी जगह पर लगा कि उससे उसका ब्लड फ्लो ठीक हो गया तो उसने मारा तो उसकी अपनी पर्सनल दृष्टि तो ऐसी थी कि मैं मारूंगा उसको उसको मारी दूंगा जान से लेकिन हुआ क्या तो ऐसा ही है हम अहंकार का खेल ऐसा है कि हम क्या समझते हैं हम एक बाउंड्री में और एक दायरे में जीते हैं अच्छा बुरा तो अब उसको बार 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 इसमें नानक वाणी में यही बार बार समझाया जा रहा है सिमरन कर तू सिमरन कर कि तू नहीं है ना तेरा लेना देना नहीं है जो ये जैसे तेरा शरीर का आकार ये सब कुछ बना हुआ है तो तू इस प्रकार के कर्म में लग जिसमें तू आनंदित होता हो बाहर में क्या मिल रहा है उस कर्म का क्या नहीं मिल रहा है हमारा क्या होता है अहंकार हमेशा कहता है इस वाली फील्ड में अच्छा पैसा मिलेगा तो ये मैं ये वाली चीज ज्वाइन कर लूँ वो अपने आप को देखता नहीं कि मेरे को और आनंद भी ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर ये होता कि जैसे मेरा एक चीज में अभी आनंद है तो मेरा फिर टेस्ट बदल जाएगा तो वो टेस्ट बदलने में अहंकार समझता है कि मैंने कर लिया ये चीज अब ये जो सारा जो चल रहा था ऊपर वाला उसको कैसे उसने तैयार कर रहा है तुम्हारे को आगे के लिए उसको क्या चीज तुम्हारे से करवानी है तो वो चीज चलती है सारा कुछ खा, खेल तो जब तक मैं उसके हाथ में जब तक मैं उस सिमिरन में नहीं बैठूंगी तो तब तक मुझे दिखेगा नहीं ना तो ये चीज है ये जो मनुष्य योनि में बार बार ये जो मनुष्य योनि में जो अहंकार पैदा हो जाता है ना ये सारी डिस्टर्बेंस जो पैदा होती है और डिस्टर्बेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला होता सारा जो जो खेल चल रहा है उसके लिए कितने कितने चारों तरफ की यूनिवर्स बननी पड़ी है तो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती कोई बिगड़ेगी कहीं और बन जाएगी जैसे एक एक दिख के हमने कुछ ये जो वो कटवाए कुछ जैसे तने कटवाए कुछ तो मेरा तो अंदर दिल तो परेशान हो रहा था क्योंकि अब वो वाला भाव आने लग गया ना मन में कि किसी भी उसमें हिंसा ही होती है किसी को भी काटा जाएगा वो चाहे बोल ना पाए लेकिन होती तो है ही अब वो उसकी जो है एक ही जगह से दस चीजें दस जड़े और निकल आई उसकी तो ऐसा होता है ना तो ये चीज है तो सारा कुछ जो खेल है ये हमारा तो है नहीं लेकिन अहंकार समझने लगता है कि मेरा है तो उसके लिए बार 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 ये कहा जाता है कि तू जो है ना मुंह पे उंगली रख के वो हैं कि अपने अंदर ही गोता गोता लगा अब गोता लगाएगा तो गोता ये हमारा जो मन निर्मित हो गया ना तो मन मन को ही हटाने के सारे कार्यक्रम है वो चाहे आप कुछ भी पढ़ के करें कोई काम में इन्वॉल्व करें तो टोटल तो जो मन निर्मित होता है बार बार हम हटाते तो मन को ही है बीच में से कोई भी विचार आया वो मन में आया फिर हम विचार को उसको करते हैं कि कर्म योग से ज्ञान योग से उस चीज को हटाने की कोशिश होती है हर मनुश्य, हर मनुष्य मनुष्य उसी चीज के लिए लगा पड़ा है लेकिन वो भूल जाता है बार बार भूल जाता है वो कि ये विचार हटाने के लिए कराया तो उसमें क्या करता है वो और साथ में कर्म बना लेता है क्योंकि उसमें उसमें मेरे का भाव आ जाता है मैं और मेरे का भाव आ जाता है ये है परेशानी तो टोटल वो मोती जिसने आत्मा का मोती मोती नहीं पाया आत्मा का मोती मतलब खुद शून्य नहीं हुआ स्वयं शून्य नहीं हुआ तो शून्य क्या किए जाते अहंकार को तो शून्य नहीं कर सकते अहंकार अंकार ही भ्रम बन जाएगा तो मन को शून्य किया जाता है कि आप तू तू अपना मन मत रख अच्छा बुरा, बुरा मत देख जो समय की और वो चीज की जो जरूरत है तो उस समय तू तो वैसा निर्णय कर तो नॉन बायस की जो स्टेज आती है वो हमारी सुविदन से आती है ये है इसका टोटल और उसमें क्या होता है हाँ ये जो भी जी का था कि वो जो हमारे को थकान भी तो थकान बाद में बाद में नहीं पहले ही नहीं होती पहले ही नहीं होती आपको बोझ ही नहीं पड़ता जैसे कहते हैं ना आलस्य किसी को है और कोई सडन एकदम आपके पास में कोई मूवमेंट आया तो वो प्रिपेयर्ड तो हो नहीं ना आप उसके लिए प्रिपेयर्ड कौन नहीं होता अहंकार नहीं होता अहंकार भाव जो है वो प्रिपेयर्ड वो हमेशा प्रिपेयर होके करना चाहता है हर चीज मैनेज करना चाहता है अब जो कहते हैं बिल्कुल चारों तरफ के बिखरे माहौल में जो अपने माइंड को संतुलन में बना रख सकता है तो उसी की तो जीत है ना संतुलन चारों तरफ में उथल पुथल चल रही है और उथल पुथल में मेरा दिमाग शांत पड़ है तो फिर मैं वो शांति में ही तो मैं कुछ ढंग का कर्म कर पाऊंगी और मैं उथल पुथल में ही बैठी हूं तो कैसे चलेगा काम कुछ भी नहीं चलेगा तो ये बार 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 हमें स्विमिरन में जाना पड़ेगा स्विमिरन का अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास करके हम ऐसा होगा कि ऑन द टो रहेंगे हर क्षण को अटेंड करने के लिए अब वो जैसा भी मूवमेंट आ रहा है हमारे सामने हम उसको अटेंड कर रहे हैं अपने वाइजली अटेंड कर रहे हैं अब उसमें हमारे अंदर में कोई लालच है घृणा आया है ये सब चीजों को जो है फिर हमें आहुति देनी पड़ती है बार बार हर क्षण आउती दो एक चीज का सेक्रीफाइस करोगे तब आप दूसरी चीज कर पाएंगे तो सैक्रीफाइस तो बार बार करना ही पड़ेगा मैं कोई चीज खरीदना चाहती हूँ तो मैं उस पैसे का सेक्रीफाइस करती हूँ फिर मैं चीज खरीद पाती हूँ तो वो तो वह चीज है अहंकार में ये होता है कि जब अहंकार से परम स्टेज पे जब काम किया जाता है तो अहंकार को पूर्ण समर्पित करा जाता है उसको कहते हैं तू तो बिल्कुल आराम से बैठ जा बिल्कुल और फिर जो है सारी इंद्रिया और वो सब चीजें जो भी मैंने नॉलेज ली हुई है संसार की उसको मैं यूज करते हुए मैं उस मूवमेंट को वाइजली हैंडल करूंगी ये मतलब है मेरे मे, मै, मतलब मैं ऐसा मेरी अपनी सोच ऐसी है तो इस प्रकार से है तो उसमें जो मेरा जो आलस्य है या कहीं भी जो चीज आता है तो उस चीज को ये नहीं कि एक तो अहंकार का विजय पाना होता है और एक होता है आप अहंकार शून्य करके उस चीज को क्षण को जो है जीतते हो तो वो जीत गया ना क्षण ने आपके ऊपर हावी नहीं हुआ वो क्षण उस क्षण को आपने अटेंड कर लिया ये मतलब है कहने का हाँ जी तो एक बार ये दीपा से और पूछ लेते हैं हाँ दीपा कुछ समझ में आया अपने हिसाब से बोलना चाहती हो तो बोलो क्योंकि हम लोग सभी उस एज ग्रुप में बैठे हुए हैं जहां पर हर इंसान के अपने मोती निकल चुके हैं कि एक्सपीरियंस जीवन के मतलब जी दीपा बोलो म्यूट है तुम्हारा चलो शायद नहीं बोलना चाहती हां जी अब कौन बोलेगा फिर फिर में में से, में से भी बीमी से ही पूछते हैं हां जी बिमी जी बोलिए फिर उल्टा बोलते हैं एक बार हाँ जी हाँ वही जब हम सिमरन भी कह रहे हैं तो उसमें भी पहले हमारी वो आस्था और विश्वास है कि आपने एक वो ग्रेटिट्यूड के भाव से कि जो उसने दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ज, ज, जैसे ही आपका वो ग्रेटिट्यूड का भाव आया एक्सेप्टेंस का भाव आया तो आपका मन वहीं पर शांत हो गया फिर जो भी परिस्थिति आ रही है तो तब वो, वो फिर वो क्लैरिटी क्लियर आ गई और आप जब आप शांत मन से कर रहे हो तो वो जो अः फिर वही अनबायस्ड स्टेट पर आप काम करोगे अः तो पहले मैं मेरे सिमरन का वही नाम है कि आप आ, मतलब जो कि पहले एक उस चीज में की विश्वास की जो आ, उसके नियम के प्रकृति में उसके अनुसार या उसके आ, क्या ऑर्डर या नियम के अनुसार सब कुछ चल रहा है और तू अपनी फालतू की इंटेलिजेंस को अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है जो वो तेरे सामने स्थिति दे रहा है उसको बस तू शांत चित से और उसमें विश्वास रखते हुए अपना हंड्रेड परसेंट देते हुए अपना कर्म करो एंड देन लीव इट तो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया 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 बिल्कुल हाँ जी मोना बोलो म्यूट है मोना नहीं नहीं, नहीं। नहीं कुछ बोलना चलो ठीक है सिंह साहब बोलिए हाँ जी हाँ जी सर बोलिए हाँ जी तो ये पहले वर्ष में जो वर्च्यूज की बात हो रही है जैसे वैसे सबने बहुत अच्छा बताया है ऐसी बात नहीं कि किसी ने भी कोई भी कोई भी कम नहीं इधर सब एक से बढ़कर एक है इधर तो पहले वर्ष में जो ये वर्च्यू की बात हो रही है जो खजाने की बात हो रही है जो मोतियों की बात हो रही है वो क्या है जैसे करुणा है ट्रंक्वालिटी है, 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 है या कुछ ही बोलो कंसिस्टेंसी है तो इस तरह की बातों की बात हो रही है ये हमारे पास आ जाती है चीजें तो ये चीजें आने के बाद होता क्या है कि हमारे चोर भाग जाते हैं चोर कौन से काम क्रोध लो वो अंकार इन इन गुणों की चोरी करने आते हैं वो इनको है? चुरा लेते हैं और तुमको तुमसे तुमको उनसे दूर कर देते हैं है वहीं वो ऐसा नहीं कि गुण कहीं अप, कहीं से पैदा हो जाएंगे इसके बाद सुनने के बाद वो है ऑलरेडी लेकिन समझ आ जाएगा तो ये जो चोर है भाग जाएंगे तो इसको एक बड़ा अच्छा कबीर साहब ने बोला है मैं दो लाइने बुद्ध बताऊंगा उसकी कि साई की नगरी परम अति उत्तम जहां कोई आवे ना जावे नेहरवा हमका ना भावे साई की नगरी क्या है साई की नगरी पिया का घर जब पिया के घर में पहुंच जाते हैं जहां कोई अच्छा पिया का घर से मतलब कई उल्टा सीधा निकाल लेते हैं पति परमेश्वर पति की पूजा करो पति परमेश्वर है वो मतलब नहीं है उससे कुछ है? पिया का घर मतलब वो, पिया जो है साई है, है जो साहेब है उनकी बात चल रही है यहाँ पे तो साई की नगरी इतनी परम अति सुंदर है जहां कोई आवे ना जावे यानी कि जहां कोई ना आता है ना जाता है ना मौत है ना जन्म है कुछ भी नहीं है वहां पे ना कोई चोर आते हैं ना चोर जाते हैं वहां से है वो तो सिर्फ ज्वारात हीरे ज्वारा से भरी पड़ी है इन गुणों से भरी पड़ी है तो वो ही साई की नगरी है हु? तो उसके बाद क्या बोला है जब ये साई की नगरी पहुंच जाते हैं हम तो नेहरवा नेहरवा होता है माइका माइका बोलो या उसको संसार भी बोल सकते हैं निहरवा ये माइका मुझे हमका ना भावे अभी वो अच्छा लगता ही नहीं हमको पसंद ही नहीं है तो जब ये गुण आ जाते हैं तो पांच चोर तो भाग ही जाते हैं लेकिन वो माइका हमको पसंद ही नहीं अभी सब जितनी भी बुरी आदतें खराब आते हैं सब निकल जाती है मतलब जैसे जिसमें कई बार हम बोलते हैं ना कि एडिक्टेड हो जाते हैं तो एडिक्शन भी निकल जाता है सब जब ये साई की नगरी पहुंच जाते हैं है? तो नेहरवा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है अभी यहाँ ये यह मतलब मत निकाल लेना है कि नेहरवा मायका के अगर खराब होता है ऐसी कोई बात नहीं है मायके में रहना भी है लेकिन ये कबीर साहब ने बड़े अच्छे वो बड़े उनको तरीका बड़ा अजीब सा होता है बहुत अच्छा बताता है उनसे क्या होता है चोट लगती है मन के अंदर है? उस चोट से ही आदमी सुधरता है वो चोट मारते हैं तो वही इसमें बताया गया है बाकी और तो सब ठीक है बिल्कुल जी बार... बताया बार-बार 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 ये सिमिटन करो कि वो कहते हैं हंसा ये घर नहीं है तेरा नहीं। तो बस वो ये चीज बार-बार याद रखोगे तो संसार एक उसकी तरह से लगेगा आपको तो वो चीज में फिर वो बसने का जो हम कर लेते हैं ना ठेका उठा लिया या किसी की दो साल बढ़ गई उम्र किसी की घट गई तो वो उसमें हम लोग बड़ा शौक में और उसमें चले जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता मन स्थिति यदि शांत है तो वो आज भी यदि है या नहीं है कुछ मैटर नहीं करती तो वो स्टेज हर मोमेंट पे हमें चाहिए होती है हर हर मोमेंट पे चाहिए होता है ये चीज एज से भी नहीं लेना देना होता है ये मुक्ति वाली जो स्टेज होती है ना हर वक्त जो मुक्ति होती है बहुत छोटी अवस्था में भी प्राप्त हो जाती है ये तो उसमें एज भी मैटर नहीं करती तो वही है बार 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 बार, बार यही चीज याद रखनी पड़ती है ये बेहोशियाँ होती है ना सारी संसार की बेहोशी होती है हम रमने की कोशिश होती है हमारी तो वो बेहोशियाँ हैं सारी तो कोई भी जो जहां पर हमें सुख प्रतीत होता है तो उस चीज को तो और ज्यादा आंख खोल कर देखना पड़ता है हमारे को कि हम हमारा मन कहीं यहीं पर तो नहीं लगना शुरू हो गया तो उस चीज को बार 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 जगाना पड़ता है जी क्योंकि क्या होता है कोई हमारे को अच्छे प्रिय लोग मिल जाते हैं वो हमारी ही बड़ाइयां कर रहे हैं हमारी प्रशंसा में रह रहे हैं तो वहां तो इंसान बिल्कुल ही सो जाता है वो समझता है कि मेरे को मैं आनंद में जा रहा हूँ मैं ब्लिस में जा रहा हूँ कोई ब्लिस थोड़ी ना होती है वो ब्लिस तो जो परम एकांत वाली जो सिचुएशन होती है वो होती है ब्लिस और लेकिन वो बेहोशी जो है वो हम समझ लेते हैं अच्छे लोगों में हम ज्यादा रमन रमना चाहते हैं अच्छे लोग मतलब यही है इसमें ना बुद्ध की एक स्टोरी भी आई थी कि उसमें एक शिष्य को बहुत ही गलत जगह पे भेजा जा रहा था तो उसने बुद्ध ने उसकी परीक्षा ली कि तू वहां पर जो है जाएगा तो क्या तो कह रहा वहीं पर ही तो जरूरत है वो बोला तेरे को लोग वहां मार भी सकते हैं तो कह रहा है कोई बात नहीं वो मार देंगे शरीर को मार देंगे कुछ कर देंगे मैं मरी ही तो नहीं, थोड़ी ना जाऊंगा जब वो मुझे मारने की भी कोशिश करेंगे तो ये जो बुद्ध लोग जो बार 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 चारों तरफ में घूम घूम के जो परिक्रमा करते थे तो वो इसी कारण करा करा करते थे कि जहां पर बीमारी नहीं है तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है ना और जहां पर बीमारी है वहां पर ही उसको क्योर करा, करा जाएगा तो ऐसा जो है ओपोजिशन वाली जो परिस्थितियां होती है उसमें मनुष्य जो है जागृत होने की स्टेज उसकी ज्यादा होती है और जब जागृत हो जाता है तो उसके लिए दोनों स्थितियां एक बराबर हो जाती हैं यह है तो विपरीत परिस्थितियां जिसके भी जीवन में आती है तो उसको ये समझना पड़ता है कि ये सब चीजें मुझे जगाने के लिए आई है क्योंकि रमना तो नहीं है ना मुझे यहाँ तो रमने वाली जो सिचुएशन होती है उसमें हम सुख चाहते हैं अब सुख सुख से भी जब मनुष्य पार लगने लगता है तो तब उसकी समावस्था आती है मेरा ऐसा है देखना मेरा अब मेरी अपनी दृष्टि अब ये देखती है कि जैसे सुख सुख को नहीं एक सुख भी समावस्था वाली स्टेज पे आ गया कि सुख भी सुख नहीं लगता ये है। हाँ और कोई जो, बोलना जो, चाहता तो जो, कोई कमेंट जी, जी जो बेहोशी हाँ. के बारे में आपने बोला ना बेहोशी के बारे में ये बहुत सही समझाता है इस, 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 इसको भी इस वर्ष पढ़ा ना सुनिए अंधे पावे राह तो अंधे मतलब बेहोश राह मतलब उनको होश आ गया

लगना जब सेशन करने के बाद में जब लगना है तो वो तो सेशन में जो आपको अच्छा वो लगा किसी ने अप्रिशिएट करा आपको बहुत वैसा किया तो वो तो उसका रस बना ना अकारण में जब तक नहीं जाएगा मनुष्य तो तब तक उसका सही कर्म नहीं निकलता देखना ये चीज सिर्फ बोल रही मैं आ जाएगी भी अनुभव में आती है क्योंकि जब अनुभव में आने लगेगी तब उतरने लगेगी जीवन में तो इस चीज को नोट करना कभी कर। हाँ जी चलिए ठीक है खत्म करते हैं आज का बहुत ही अच्छा हाँ। रहा, अच्छा रहा डिस्कशन रहता है हाँ। सब हाँ दीपा, बोलना तो नहीं है के अच्छा लग रहा अभी तो। अच्छा, चलो ठीक है, तो हाँ। है हाँ तो वो मैंने सुरेश जी से बात की थी अच्छा बोलो हाँ तो उन्होंने कहा मैं मैंने उनको कह दिया था कि आपको जो सभी दिन सही लगे आप बता देना और बुक भी सजेस्ट कर देना तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बस ये मैसेज किया कि हाँ, जरूर और मैं आपको बता दूंगा तो, अच्छा ठीक है तो फिर है ना, ना ऐसा करेंगे वो जो सैटरडे वाला जो होता है ना यदि बाई चांस सैटरडे शूट करता है तो हम फ्राइडे रख लेंगे गीता का कुछ ऐसा मैटर नहीं है मतलब तो वो एक दिन जो जो उनको शूट करता है वो प्रायोरिटी रख लेना हाँ, कोई मुझे लग रहा है कि अभी भी वो थोड़े से शायद बिजी चल रहे तो इसलिए उन्होंने कोई वैसे वो नहीं, नहीं।, नहीं उनका मैसेज आया था मेरे पास कि मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो के चलते है ना ये यही तो हाँ. कह रहे थे कह रहे थे वो सिंह साहब ने बोला था जब उनसे तो वो कह रहे थे मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ तो फिर वो वो गीता में वो एक्चुअली क्या था वो खुद भी इंटरेस्टेड थे वो बोले कि मैं जो है गीता मैंने कभी लाइफ में पढ़ी नहीं है तो मैं खुद मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ सुनने में तो सुनना क्या है वो तो जैसे वो यदि वो आते हैं तो वो तो सुलझे हुए इंसान है तो फिर वो वैसे ही उनका अच्छा लगता है सबको सुनना तो वो तो इंसान बोलता तो वही है वो तो कबीर के ही उदाहरण देंगे क्योंकि उनके अंदर में कबीर से वो सत्य को पाया उन्होंने एक तरीके से अब जैसे सिंह साहब जो है नानक वाणी में हम वो नहीं कर सकते ना क्योंकि एक लैंग्वेज को जो इंसान बिल्कुल पी गया तो वही उस उस पद पे ही बोलेगा वो हर जगह उसके अंदर से वही निकलेगी चीज तो ऐसा है तो उनका आना यदि सैटरडे भी आ रहे हैं ना उनका आना ही एक अपने आप में बड़ी बात है मतलब यदि वो आते हैं तो बहुत अच्छा है तो वो उस दिन भी आते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो मैं तो गीता भी खत्म कर देंगे कुछ ऐसा मैटर नहीं है क्योंकि वो इंसान ही अच्छे हैं क्योंकि वो बड़ा सब्र और उसके साथ में बोलते हैं तो अच्छा लगता है उनका सुनना बहुत ही अच्छा है हाँ कोई दिक्कत नहीं आप उनसे उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले है यदि वो जो भी दिन तैयार करते हैं तो रख लेंगे बल्कि अच्छा हो जाएगा तीन चीजें शुरू हो जाएंगी बढ़िया हो जाएगा चलिए ठीक है ठीक है जी ओके जय श्री कृष्ण